हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मेरे चैनल पे आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है और मैं कुछ चीज़ें आप लोग से बातें करने वाली हूँ जो बातें काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान कर रही थी। तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ ही ये बात कर दूँ, क्योंकि था मैं अभी पिछले वीडियो में अपना ये चीज़ बताई थी कि मेरे सब्सक्राइबर कम हो जा रहे हैं, उसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। और ये चीज़ें कुछ लोग को नहीं मालूम है, जो लोग को नहीं मालूम है मैं उन्हें क्यों बताना चाहती हूँ। और कुछ लोग तो हैं शरारत करते हैं, उनके लिए तो कोई कुछ नहीं कह सकता। जो लोग शरारत करते हैं, अनसब्सक्राइब करते हैं, हटा देते हैं, उसका कोई मतलब उनकी नहीं इच्छा है, नहीं करें वो बातें अलग है भाई, उनके लिए हम फोर्स नहीं कर सकते। बट जो लोग मुझे करना चाहते हैं, मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरी चीज़ों को देखना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये चीज़ें देने सलाह देना चाह रही हूँ। जिनको नहीं जानकारी है कि ऐसा नहीं मैंने हो जाता है, सबको नहीं हर चीज़ जानकारी होती, होता है क्या कि हम लोग अक्सर कई लोग होते हैं ऐसे, हम सब लोग जरूरी थोड़ी कि रोज़ डेली का डेली वीडियो देखते हैं या सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब चीज़ें जानते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट जो लोग जानते हैं उनकी तो बातें छोड़ ही दीजिए, उनकी कोई बात ही नहीं है। जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बातें करने आई हूँ, उनको मैं बताने आई हूँ और यही मैं बता रही हूँ। और पहले तो मेरे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर नए हों, और सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन का घंटी है उसे भी प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन का घंटी प्रेस करने से होता है क्या कि हमारे जो वीडियो अपलोड होते हैं तो आप लोग तक तुरंत का तुरंत पहुँच जाता है। तो आप लोग हमारी चीज़ों को देखते हैं, जो भी मैं शेयर करती हूँ आप लोग को देख लेते हैं। और जब मैं इस प्लेटफॉर्म पर आई हूँ तो भाई आप लोग तो मेरी फैमिली हो, फैमिली के साथ सारी चीज़ें शेयर करना मुझे ज़रूरी है और ज़रूरी है भी। और मैं इस जगह पे हूँ कि मुझे सारी चीज़ें सही और ऐसी चीज़ें नहीं कि मैं दिखावटी करना है या झूठ बोलना है, इसलिए कि झूठ एक दिन दो दिन का होता है, मुझे झूठ एकदम पसंद नहीं है, गलत चीज़ें मुझे एकदम पसंद नहीं है, गलत नेचर। और इसीलिए मैं सोची थी मैं आप लोग से बातें कर ही लूँ। तो झूठ इसलिए नहीं बोलना चाहिए, मैं बता रही हूँ कि जैसे इस पर विश्वास ख़त्म हो जाएगा आपका। और विश्वास जो तो है होता है, हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं कि हमें दिखावटी एक दो दिन का होता है, डेली का नहीं होता है। हमें डेली का डेली यहाँ अपलोड करना है, डेली का डेली आप लोग से मिलना है। तो इसलिए हमारी जो है कि इस पर कोई दिखावटी, कोई झूठ, कोई चीज़ें गलत नहीं मुझे करना है, ना मुझसे दिखावटी बनाना है। जो भी है मेरे नेचुरल है, सिंपल है, मैं जैसी हूँ वैसे ही आप लोग को दिखूँगी, अलग से नहीं। हाँ, कभी कभी कुछ चेहरे में हो जाती है अप डाउन, उसकी बातें तो अलग है, चेहरे को कोई तो बना नहीं सकता है। तो होता क्या है कि चेहरे में इसलिए अप डाउन थोड़ी सी हो जाती है, हम लोग बनाते हैं थोड़ा सा, कभी क्या होते हैं तैयार होकर सोच के चलते एक वीडियो बनाना करना है, कुछ है काम करते करते समय कुछ आप लोग के साथ शेयर करना रहता है और उसमें भागा भाग लगा रहता है, उसी में वीडियो अपलोड करते हैं, हम लोग बना देते हैं भाई चलो उन लोग को भी कुछ बातें शेयर कर दें अपनी, तो वो चीज़ें हो जाती है। और कोई दिखावटी नहीं होता मेकअप, मैं कोई इतना नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ मैं मेकअप ट्यूटोरियल, मेकअप वाली लुक भी थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ पूरी चीज़ें का, खाना हो, नाश्ता हो, डिनर हो, चाहे जो भी चीज़ें हो सारी चीज़ मैं डालती हूँ। तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ सारी ब्लॉग सारी चीज़ें शेयर करूँ, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ शेयर करती रहूँगी तो हो सकता है आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। जैसे एक ही चीज़ पर आदमी डिपेंड रहता नहीं चाहिए, कुछ छोटी छोटी अलग अलग क्लिप रहती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही था, तो मैं आप लोग से ही बता रही थी कि जो सब्सक्राइबर वही बातें मुझे मेन इम्पॉर्टेंट आप लोग से करना था, इसलिए करना था कि वही बता रही थी कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, नीचे की तरह क्या बढ़ी देखो, तो नहीं जानकारी था। होता क्या जैसे आप मेरे वीडियो को खोले, जब खोले मेरे वीडियो को तो उसके बाद हुआ क्या कि वहाँ पे रेड कलर का बगल में साइड में लिखा रहता है सब्सक्राइबर, रेड बॉक्स भी बना रहता है, आप उसको टच कर देंगे वो वाइट हो जाएगा। उसके बगल में बेल आइकन का घंटी रहता है, उसे ऐसे एक घंटी लटकी हुई रहती है, उसे हमें प्रेस कर देना होता है, वो प्रेस करने से होता है हमारा वीडियो आप तक पहुँच जाता है तुरंत का तुरंत। तो कुछ लोग को नहीं मालूम है जो हमारे सारे वीडियो पढ़ते हैं, सब पे सब वो देखते हैं, जितने पे सब पे सब्सक्राइब कर दो तो होता क्या कि अनसब्सक्राइब हो जाता है, फिर वो रेड हो जाता है। तो सब्सक्राइब बस एक बार करना रहता है, आप एक वीडियो पहली बार अगर देख रहे हो मेरी वीडियो, पहली बार सब्सक्राइब करने जा रहे हो तो उसे खोलिए, देखिए बगल में रेड कलर का नीचे बॉक्स बना है, उसमें सब्सक्राइबर लिखा हुआ है और रेड कलर का बॉक्स है, उस बॉक्स को आप टच करोगे वो हो जाएगा वाइट, सब्सक्राइब पूरा हो गया। बाकी दूसरे वीडियो पे आपको
ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, बस एक ही बार करना है। और कुछ लोग तो शरारत करते हैं, उनकी बातें कोई बात नहीं है। तो जिनको नहीं जानकारी था, जो मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, जो हमारी चीज़ों को देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, उनके लिए मैं ये बता रही हूँ ऐसा करना है। क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे नहीं जानकारी जिनको हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि मैं आप लोग के साथ एक वीडियो इसके लिए भी बना दूँ। और यही था आप लोग से बातें करना। चलिए तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और मैं बता देती हूँ, मैं आप लोग को यही चीज़ शेयर करना था तो बता दी इसके लिए, और कुछ नहीं करना। और मैं एक नया थोड़ा सा नाश्ता बनाई थी, लंच बनाई थी शाम के समय चाय के साथ खाने के लिए, क्रिस्पी एकदम कुरकुरी अच्छी सी, वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोची आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँ, आप लोग भी खाओगे, बहुत अच्छा। टमाटो सॉस के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, थोड़े से मेरे पास सॉस ख़त्म हो गए थे, थोड़े थे इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा था वही डाल दी, बाद में फिर मैं मंगाई। बट उस समय मैं केयर नहीं की थी कि मुझे लाना था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और देखिए आप लोग को वो मैं शेयर की हूँ, सूजी वगैरह है, सारी चीज़ें जैसे कर रही हूँ वो चीज़ें मैं बताई हूँ आप लोग के साथ, देख लीजिए वो रेसिपी, आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। नाश्ते के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है, कभी कभी अच्छा लगता है, नहीं कुरकुरे क्रिस्पी अच्छी चीज़ें खाने के लिए, चाय के साथ थोड़ा अच्छा हो जाए। और बहुत जल्दी वाला है, आप आलू रखे हो बॉयल या आलू रख लो, बाकी सूजी फटाफट करो, फटाफट तल दो, हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है, तो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप उसे ज़रूर देखिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे भी अच्छा लगा, मैंने कहीं देखा ही था तो मैं सोची आप लोग के भी साथ शेयर कर दूँ, शायद आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो और आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगे, इसलिए मैं उसे शेयर कर दी हूँ। तो चलिए देख लीजिए उसको भी, और अगर उसको देख के आप लोग भी उसको टेस्ट करके, बना के टेस्ट करके मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सॉस के साथ काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, थोड़ी सी हरी चटनी के साथ उतना नहीं कॉम्बिनेशन बैठ रहा था, बट उसके साथ सॉस के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ उसे, आप लोग भी बना के खा लीजिएगा। और चलिए अब फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर मेरा लाइक मेरा सॉरी यार मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करिए, आप लोग का एक लाइक एक कमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ऐसे ही वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस। हेलो गाइस, तो देखिए मैं इस तरीके से इसको बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, पकौड़ी की जो बारे में बात कर रही थी, ये है सूजी। और कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, जीरा डाल दी हूँ, एक मिर्च डाल दी हूँ, और ये सूजी है एक पाव एक कटोरी के बराबर, समझिए है छोटी कटोरी, इसमें मैं डाल दे रही हूँ। और डालने के डालते ही मैं इसके बाद इसमें अभी पानी ले लूँ थोड़ा सा, और इसमें देखिए मैं इसको डालने जा रही हूँ, डाल के फिर मैं इसे पानी भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर दे रही हूँ। इतना ही डालूँगी कि थोड़ा सा डो जो मेरा बने वो थोड़ा सा टाइट बने, उसके कारण टाइट बने से क्या होगा कि अच्छी होगी, जाली गीली गीली सी हो जाएगी तो दिक्कत होगी बनाने में, इसीलिए। तो देखिए इस तरीके से डो को मैं तैयार कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा मैं नमक अभी ही स्वाद अनुसार जो मैं आलू इसमें मिलाऊँगी वो मिलाऊँगी, उसी के बराबर मैं इसमें डाल दूँगी नमक भी, कि दोनों को एक साथ में ही जितना हो एडजस्ट कर रहे हैं, नहीं तो होने के बाद होता है ना कि कहीं पहुँचता कहीं नमक नहीं पहुँचता है जब मिक्स हो जाए, इसीलिए अभी ही नमक मैं पूरी तरीके से डाल दे रही हूँ। तो गाइस देखिए मेरा डो तैयार हो गया है, मैं इस तरीके से थाली में लेके बैठ गई हूँ, और बगल में धनिया भी काट के रख ली हूँ। अब मैं से हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल दूँगी, हल्दी पाउडर नमक तो मैं पहले से ही पूरा डाल ली हूँ। अब देखिए मैं इसमें आलू भी सारा जो है जितने हैं मसा दूँगी अलग से, और मिर्ची मैं नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चों को खाना है तीखा लगेगा, इसलिए मैं नहीं डाल सकती। तो आप लोग को जैसा हो अच्छा लगे उस हिसाब से आप लोग तीखा डाल भी सकते हैं, बट मैं अभी से सारे आलू को इसी तरीके से इसमें मिला लूँगी अच्छे से, फोड़ फोड़ के पूरे अच्छे से मसल दूँगी, हम बारीक मसलूँगी जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाए, उसमें वो पड़ा ना रह जाए वो गुटके गुटका इसमें करके। देखिए धनिया भी मैं मिक्स कर दी हूँ, और धनिया भी मिक्स करके मैं अभी अच्छी तरीके से इस डो को बहुत अच्छे तरीके से मसल लूँगी, अच्छे से हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, इधर जो हो कि बहुत बारीक ही से मसलना, इसलिए मैं हाथ से ही इसे कर रही हूँ, और हाथ से मुझे काफ़ी ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए मैं इसे हाथ से ही अपने मिला रही हूँ कि हाथ से मिलने पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाता है।
तो जो देखिए इस तरीके से मेरे डो को तैयार मैंने कर ले रही हूँ। तो चलिए अभी मैं मिलती हूँ अपने किचन में। तो गाइस देखिए मैं किचन में आ चुकी हूँ और इस तरीके से इसको काट रही हूँ। एक बड़ा सा बाउल बना रही हूँ। अब इसे मैं बाउल को पूरा गोल सा बना के फिर मैं थोड़ी सी रिफाइन लगा दी हूँ अपने स्लैब पे। स्लैब पे ही मैं बनाती हूँ। देखिए मैं इस तरीके से बेलन से थोड़ा बेल लेती हूँ। बेलने के बाद ये इस तरीके से इसको फिर कुछ कटिंग कर दूंगी। अभी थोड़ा बहुत मोटा भी नहीं बेला जाएगा ना, बहुत पतला रहेगा। इस मीडियम साइज से बेलेंगे जिससे हमें फोल्ड करके उसका बनाना हो जो गोल सा क्रिस्पी बनाने के लिए अच्छे से। उसको ले मैं इस तरीके से सारे काट लूंगी और काटने के बाद अभी मैं इसे एक एक पीस करके, ये काफ़ी ज़्यादा फोल्ड करने पर मोटा होगा इसलिए मैं अब इसे काट दूँगी। पीस पीस काट दे, थोड़े से गीले गीले से अभी लग रहे हैं इसलिए पकड़ रहे हैं हमारे नाइफ में, चाकू में। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं काट लेती हूँ, सारे पीस अलग अलग कर लेती हूँ एक ही साथ में करने के। अच्छे से कटिंग करते समय काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, अच्छे से हो जाए कटिंग, क्योंकि फैल जा रहा था। अब देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसे मोड़ देती हूँ। मोड़ लेके अच्छे से दोनों तरफ से छोटा छोटा एक बाउल सा तैयार कर लूँगी जो देखने में इसका इस तरीके से बना, जैसे देखने में क्रिस्पी अच्छी सी पकौड़ी दिखने में समझ में आए क्या है। ये नाश्ते के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए इसको थोड़ा सा बनाने के लिए सेब इसका इस तरीके से कुछ मोड़ मोड़ के करना है। तो मैं इसी तरीके से मोड़ रही हूँ और मोड़ के मैं इस तरीके से मैं इसको बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से एक साथ में कई बाउल बना लूँगी तो डालने में आसान रहेगा। जैसे एक एक टू डालने पे कुछ हुए हैं पहले, कुछ बाद में होंगे तो दिक्कत हो जाती है। तो मैं सारे बाउल कुछ तैयार कर ले रही हूँ जो अभी डाल लूँगी। पूरा डाल के मैं बाउल को तैयार करने के बाद ही मैं कढ़ाई में दो तीन पीस चार पीस एक साथ मैं डाल दूँगी। तो वो तैयार अच्छे से देखिए मैं डाल दे रही हूँ। तीन चार पीस तैयार हो गए थे तो मैं अब डाल दे रही हूँ कढ़ाई में पूरी तरीके से। ये अच्छे से धीमी आंच में हम हुआएंगे इसे, इसलिए कि धीमी आंच में हुआने से इसके अंदर पूरी क्रिस्पी सी आ जाएगी, क्रंची सी अच्छी लगेगी। और तेज़ आंच में हमको करने के लिए तो हुआना तो है नहीं, हो जाएगा बट क्या होगा थोड़ा सा अंदर किचकिचापन आ जाएगा, गीला गीला सा लगेगा। और धीमी आप मध्यम आंच से पकाओगे तो इतनी ज़्यादा क्रिस्पी अच्छी लगेगी कि सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसे आप टमाटो सॉस वगैरह से खाने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए इस तरीके से मैं कुछ इसे तल रही हूँ। तल के फिर मैं इसे निकाल देती हूँ। निकालने के बाद फिर मैं आप लोग को साथ इसे शेयर करती हूँ। तो चलिए देखिए अभी इसको शेयर कर रही हूँ।